हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, विश यू ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग. सो चिल्ड्रन, वेलकम टू योर ईवीएस लेक्चर. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो नाउ डिड यू नो दैट एनिमल वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ फ्यूल. एनिमल की बॉडी से जो वेस्ट निकलता है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ फ्यूल. देन द वेस्ट ऑफ कैटल पॉपुलरली कॉल्ड काउ डंग. आपको पता है ना काउ डंग व्हाट इज इट? ओके, काउ डंग, यू नो डेट राइट? काउ का पॉटी होता है, उसे हम काउ डंग बोलते हैं. ओके, सो काउ डंग इज कलेक्टेड एंड मेड इनटू अ गैस कॉल्ड बायोगैस. सो एनिमल वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ फ्यूल एंड द वेस्ट ऑफ कैटल पॉपुलरली कॉल्ड काउ डंग इज कलेक्टेड एंड मेड इनटू अ गैस कॉल्ड बायोगैस. ओके, the energy from sun rays is also trapped to cook food. जो हमें sun से जो energy मिलती, the energy from sun rays, sun के जो rays होते हैं, that is sun rays, so it is trapped to cook food. वो sun rays से भी we can cook food. How? the utensil is used for such cooking is called solar cooker. आपको पता है एवरी थिंग सोलार कुकर, राइट? तो डैट कुकर इज प्लेस्ड, सो डैट कुकर इज प्लेस्ड आउटसाइड वेयर इट गेट्स द डायरेक्ट सन रेज. जो सन के रेज होते हैं वो उस सोलर कुकर के ऊपर पड़ते हैं एंड अवर थिंग्स गेट कुक्ड. ओके, ऐसे तो बेटा बहुत सारी सोलर थिंग्स वी हैव, लाइक सोलर लाइट, सोलर लैम्प्स. ओके, सो व्हेनेवर यू आर फ्री यू कैन सर्च इट फॉर दिस थिंग्स. ओके, देर आर मेनी मेनी थिंग्स विच वर्क्स ऑन सन रेज. ओके, सो लाइक सोलर कुकर. ओके, सो नेक्स्ट एक्टिविटी इज दैट लिस्ट सम फूड एट योर होम विच इज कुक्ड बाई बेकिंग, फ्राइंग, देन रोस्टिंग and by boiling, and you have to discuss with your parents the method used to cook your favorite food. ठीक है, आपको आपके favorite food में आपके favorite food को cook करने के लिए कौन सी method use होती है? Baking, frying, roasting or boiling. You have to discuss this with your parents, right? Now let's check the progress. State whether the following statements are true or false. आपको ये ट्रू है कि फॉल्स, यू हैव टू राइट इट हियर. ओके, सो यू कैन राइट टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स. फर्स्ट वन इज प्रोटीन्स गिव एनर्जी. व्हाट डू यू थिंक? इफ इट इज ट्रू यू विल राइट ट्रू. टी, अ वॉक इज यूज्ड फॉर बॉइलिंग. यू हैव टू चेक योर प्रोग्रेस, यू हैव टू चेक व्हाट यू हैव लर्न प्रीवियसली. आपने क्या लर्न किया था? ओके, जो पहले मैंने आपको करवाया था. Then LPG is liquefied petroleum gas. If it is true, you have to write here T. Then water helps the body to digest food. If it is true, you will write T. If it is false, you will write F. Then baking is one method of cooking. Baking bhi ek cooking ki hi method hai na. So if it is true, you will write here T. If false, then F. Now, eating habits of different people in a family. Sabki habits same nahi hoti na. So how many members are there in your family? And do all the members eat the same amount of food? Then what food does a newborn baby eat? हमारे घर में जितने family members हैं सब एक सब same amount का ही खाते हैं? No. जैसे कि हमारे मम्मी पापा है तो वो थोड़ा ज़्यादा खाएंगे हमसे. अगर आप छोटे हो तो आप थोड़ा कम खाओगे उनसे. एंड इफ़ यू हैव अ न्यू बॉर्न बेबी इन द हाउस वो तो बिल्कुल थोड़ा सा खाएगा, है ना? सो इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन द फैमिली मेम्बर्स, राइट? सो बेबीज चिल्ड्रन टीनेजर्स, एडल्ट्स, ओल्डर पीपल ऑल हैव डिफरेंट फूड नीड्स. सबकी फूड की नीड डिफरेंट होती है. छोटे बेबी को थोड़े खाने से पेट भर जाता है तो वो थोड़ा ही खाएगा. जैसे कि आप हो तो आपका 3 चपाटीज में फिर टमी गेट्स फुल तो आप 3 ही खाओगे. एंड इफ़ योर पेरेंट्स नीड 5 चपाटीज देन दे विल हैव 5. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फैमिली मेंबर्स, राइट?
then babies do not have teeth, hence they cannot eat solid food till they start getting their teeth, right? बेबीज के टीथ नहीं होते, वो तो धीरे धीरे टीथ आते हैं, तो वो सॉलिड फूड तब तक नहीं खा सकते हैं. सो चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स शुड ईट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हेल्दी फूड टू ग्रो. सो चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स, द ग्रोइंग चिल्ड्रन शुड ईट मोर अमाउंट ऑफ फूड, बट इट शुड बी हेल्दी फूड. ओके, एंड इवन मिल्क शुड बी कंपल्सरी इन देयर डाइट. आप लेते हो ना मिल्क, यू शुड हैव मिल्क 2 to 3 टाइम्स अ डे. In the morning you can have it, you can have it in the then you can have it at night before you go to bed, and even sham ko agar bhook lagti you can have it, right? You should have milk twice or thrice a day, right? It provides calcium and phosphorus which makes the bones strong. Hame milk calcium provide karta hai, which is very helpful in making the bones strong. Adults who are working should eat healthy food and get proper physical exercise. सिर्फ खाना खाना ही आपको हेल्दी नहीं बनेगा, आपको हेल्दी नहीं बनाएगा. सो चिल्ड्रन, विद द प्रॉपर फूड, विद द प्रॉपर डाइट, यू ऑल्सो नीड प्रॉपर हेल्थ एक्सरसाइज टू कीप योर बॉडी फिट एंड फाइन. यू नीड proper physical exercise also. Okay, older people should eat a smaller amount of food as their ability to digest food is weaker. जैसे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, राइट, तो उनको थोड़ा प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए, थोड़ा कम लेना चाहिए, बिकॉज उनकी डाइजेस्ट करने की एबिलिटी, जैसे ही वो ओल्ड होते जाते हैं तो उनकी डाइजेस्ट करने की एबिलिटी एकदम क्या हो जाती है, वीक हो जाती है. सो दे शुड टेक केयर ऑफ व्हाट दे ईट, राइट. सो व्हाट इज डाइजेस्ट? डाइजेस्ट इज ब्रेक डाउन ऑफ द फूड. देन व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द फूड दैट आर रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमंस टू लिव, ग्रो एंड फंक्शन. एडिक्वेट इज सफिशियंट क्वांटिटी. ओके, so now let's do the revision again. Okay, so what do we need to grow and stay healthy? We need a proper diet, we need a proper food, we need lots of proper food, healthy food to grow and to stay healthy, right? Here you can see lots of yummy dishes, hai na. Now all the living things need food to live and grow. चाहे वो एनिमल हो या फिर बर्ड हो या फिर प्लांट हो या फिर हम हो, ऑल ऑफ अस नीड फूड एंड इवन वाटर टू लिव एंड ग्रो, राइट. नाउ टाइप्स ऑफ फूड. सम फूड आइटम्स गिव अस एनर्जी एंड हेल्प अस टू ग्रो. सम फूड आइटम्स कीप अस हेल्दी एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग सिक. ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं जो हमें सिक नहीं होने देते, हमें एनर्जी देते हैं, विच हेल्प्स अस टू इवन ग्रो. नेम सम फूड आइटम्स दैट गिव्स अस एनर्जी. वीट, ओके, चपाती और इवन ब्रेड, देन राइस, देन पटैटो, ऑयल, देन बटर एंड इवन शुगर. दीज फूड गिव्स अस एनर्जी. नाउ नेम सम फूड आइटम्स दैट हेल्प्स अस टू ग्रो. मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, पल्सेस और दाल्स, देन यू हैव नट्स, then eggs, then chicken and then fish. Even if you are not having non-veg, it's completely okay. हमें बहुत सारे vegetarian food भी है जिससे हमें energy मिलती है. Okay, then name some protective food items जो हमें sick नहीं होने देते. Those are vegetables and even fruits, but it should be fresh and it should be washed before eating. Okay, now what is a balanced diet? A meal having all three types of food to keep us fit and healthy is called a balanced diet. Okay, it is a meal having all three types of food. Okay, how much water do you have daily? You should drink 6 to 8 glasses daily. It helps remove waste from the body and it keeps our body cool. Especially in the summer, you should drink more water. Kabhi dehydration nahi hona chahiye.
एंड इट मीन्स कभी आपका बॉडी का वाटर कम नहीं होना चाहिए. ओके, सो यू शुड ऑलवेज कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड बाई ड्रिंकिंग मोर वाटर, बाई ड्रिंकिंग जूसेस. ओके, नाउ विच पिक्चर शोज जंक फूड? इसमें कौन सा पिक्चर जंक फूड शो करता है? इसमें तो चपातीज है, राइस है, इसमें है पूरी एंड ऑल द नमकीन, राइट? इसमें है फ्रूट्स है, ओके, देन इवन ग्रेन्स, देन वेजिटेबल्स एंड इवन प्रोटीन्स. इसके अंदर है पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, सैंडविचेस, बर्गर, चिप्स, देन चॉकलेट केक, कपकेक. सो विच इज़ द जंक फूड हियर? This is the junk food, right? Which we should not have. Then what are some good eating habits? Now which of the above will you have more often? Isme se aap kaun sa loge? Samosa? No. Then here you can see, what is it? Dahi hai. Can see rice, salad and everything. Yeah, this one is healthy. You cannot have samosas every day, right? Now state some good food habits. So some good food habits are, you have to wash hands, eat slowly and chew your food well, do not talk with food in your mouth, close your mouth and chew the food, and do not waste food. That is very important. Last is, what do you see in the picture below? Maine abhi sikhaya tha aapko, sun rays se chalta hai. What? It is a solar cooker. So food being cooked in a solar cooker using heat from sun. सन की जो हीट आती है उससे ये कुकर चलता है, उससे द फूड आइटम्स गेट कुक्ड. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ फूड वर एनर्जी गिविंग इन दैट व्हीट, चपाती, ब्रेड, राइस, पोटैटो, ऑयल, बटर एंड शुगर. देन बॉडी बिल्डिंग फूड, देन मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, पल्सेस और दाल्स, नट्स, एग्स, चिकन एंड फिश. Protective food, then we have fruits and vegetables, right? Now here you can see energy giving food, they give us energy to work, study and play. Then bodybuilding food, they build our muscles and they build our muscles and bones and they help us to grow. Protective food, they keep us healthy and fit, right? So we, and even, and also we should drink 6 to 8 glasses of water a day. So this is all things we learned in this chapter. Okay children, ye sab humne padha hai. So please keep on reading the chapter again and again. Agar maine aaj karwaya, fir aapne 2-3 din mein fir aap bhool jaoge. So please keep on reading. Jab bhi aap free ho, just read it once or twice a day, every day. Okay. So that's all for today's EVS lecture. Thank you.